तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले ये है वीवो का V30 Pro 5G वाला फोन, जो कि मैंने अभी परचेस करा था। और आज हम इसमें करने वाले गेमिंग टेस्ट, जो कि होने वाला है फ्री फायर मैक्स का, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो इस वाले फोन को गेमिंग पर्पज से आप खरीदने की सोच रहे हो, तो ये फोन जो है किस तरीके परफॉर्मेंस आपको निकाल करके देने वाला है। तो इससे पहले जो मैंने गेमिंग टेस्ट करा था वो करा था यहाँ पर BGMI का PUBG मोबाइल का टेस्ट। तो उस वाले फोन में भाई काफी अच्छे ग्राफिक्स मिले, काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो हम देखने वाले हैं कि अगर आप इस वाले फोन को फ्री फायर के लिए अगर परचेस करने की सोच रहे हैं, तो ये फोन आपके लिए कैसे रहने वाला है। देखो, पहली बात तो अगर आपको पबजी बढ़िया चल रहा है, तो भाई फ्री फायर ऑटोमेटिकली काफी तगड़ा चलने वाला है, क्योंकि हैवी गेम है पबजी, तो उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। बट हम देखने वाले कि फ्री फायर अगर आप जो है पर्पज से फोन खरीद रहे हो फ्री फायर खेलने के हिसाब से, या लाइव स्ट्रीम अगर आप यूट्यूबर हो, तो ये किस तरह से फोन है वो यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि वीवो के फोन में काफी तगड़ी चीजें इसमें मिली है। प्रोसेसर भी काफी बड़ा है, मीडियाटेक का डायनेस्टी का आपको 8200 का प्रोसेसर मिल जाता है 8200 का। तो उस प्रोसेसर में देखने वाले किस तरीके जो गेम प्ले है आप इस वाले फोन से निकाल सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वाले, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों शुरू से लास्ट तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो ये है वीवो का V30 Pro 5G वाला फोन, और आज हम इसमें करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, जो कि होने वाला है फ्री फायर मैक्स का, ठीक है। इससे पहले हमने जो गेमिंग टेस्ट करा था वो करा था पबजी का, BGMI का, और उसमें आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिले थे। तो बट आज हम देखने वाले हैं कि इस वाले फोन में फ्री फायर मैक्स अगर आप गेमिंग जो है खेलना चाहते हो, तो किस तरीके जो गेमिंग है वो निकाल सकते हो, किस तरीके ग्राफिक्स आपको देखने को मिलने वाले। तो मैंने गेम डाउनलोड कर लिया। गेम को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले मैं करता हूँ इसको ओपन, और देखने वाले हैं कि फोन हीटिंग्स वगैरह करता है नहीं करता, ग्राफिक्स आपको कैसे मिलते हैं, किस तरीके जो गेम प्ले है वो आप इस वाले फोन से निकाल सकते हो। क्योंकि देखो इसका प्राइस भी यहाँ पर ज्यादा है, 40,000 रुपये के अराउंड में आपको फोन मिल रहा है। तो गेमिंग तो भाई एक नंबर की होनी चाहिए उसमें, अगर आप गेमिंग पर्पज से ले रहे हो, या आप जो है गेमर हो, या आप लाइव स्ट्रीम वगैरह खेलने के लिए ले रहे हो, तो किस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो आप इस वाले फोन से निकाल सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले मैंने गेम को यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी जो है साउंड वगैरह म्यूट कर लेता हूँ, और यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले डिस्प्ले में, ठीक है। तो डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको हर फोन के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा फोन हो, सारे ग्राफिक्स आपको अनेबल मिलते हैं, बट जो है खिला नहीं पाता है सभी फोन में। तो आज हम इसमें सबसे हाई ग्राफिक्स पे खेलने वाले, जो कि होने वाला है अल्ट्रा का, और अल्ट्रा के बाद यहाँ पर आपको मिलता है मैक्स का, ठीक है। तो मैक्स में यहाँ पर हम खेल के देखने वाले हैं। तो सबसे हाई ग्राफिक्स पे मैंने यहाँ पर खेल लिया, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है आपको इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी का, आपको 8200 का, यानी कि 8200 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 8200 का प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी में। और मुझे लगता है कि ये डायमेंसिटी में भाई काफ़ी तकड़ा और पावरफुल प्रोसेसर भी रहने वाला है, और ये वीवो V30 Pro की जो सीरीज़ है उसका भी काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। तो किस तरह की जो गेमिंग है इस वाले फ़ोन से आप निकाल सकते हो। तो मैंने इसको मैक्स पे कर लिया, हाई सेटिंग्स पे कर लिया, और इसको देख सकते हो यहाँ पर हाई सेटिंग्स पे मैक्स पे कर लिया। और मैक्स पे करने के बाद चलते हैं यहाँ पर गेम प्ले पे, और CS पे चलते हैं, और इसको मैं करता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट पे थोड़े से मैं इसके साउंड भी ज़्यादा कर लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर जो है साउंड भी सुनाई दे। तो अलाउ करते हैं परमिशन को। देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप अगर अच्छे से खेलते हो तो आप अच्छा गेम प्ले निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपके सामने हेड कैम पे गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो। तो मैंने इसको कर लिया, और करने के बाद यहाँ पर जो है सबसे पहले नीचे आप ग्राफिक्स देखोगे तो ग्राफिक्स भी हैं, और जो मोमेंटम वगैरह है वो किस तरीके का होने वाला है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर आप एक बार देख लेना। तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम वगैरह है, ये चीज़ें देख रहे हो, तो ग्राफिक्स। और यहाँ पर देखो जब आप खेलते हो अच्छे से एयरफोन वगैरह लगा के, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा गेम प्ले यहाँ पर आप निकाल सकते हो, आप 1v3 1v4 कर सकते हो, बट यहाँ पर सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं कैमरे के सामने। तो बट ये चीज़ आप ध्यान रखो कि किस तरीके से जो है आप गेम प्ले निकाल सकते हो, कैसे जो आप खेल सकते हो इसमें, किस तरीके परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर गन मिल चुकी है बंटेप वाली सिंगल, बट ये काफी काम करने वाली है। अगर देखो आपसे अच्छा खेलना आता ना, जैसा कि ये फोन है उस हिसाब से आप 1v3 1v4 आराम से कर पाओगे, निकाल पाओगे एक अच्छा गेम प्ले, एक अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अगर आप करोगे तब भी आप जो है अच्छा जो है गेम प्ले निकाल सकते हो इस वाले फोन से। तो गेमिंग के लिए तो भाई काफ़ी फाड़ फोन रहने वाला है, साथ ही ये एक ऑलराउंडर फोन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप गेमिंग टेस्ट भी करोगे, साथ ही कैमरा क्वालिटी डिस्प्ले वगैरह, तो सभी के लिए एक ऑलराउंडर फोन है, और मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी बढ़िया फोन, एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। Thank you.
तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस मिस्टेक होगी, तो वन भी वन बचा है और यहाँ पर वन वन सिक्स बर्स हो चुका है, ठीक है। लेकिन गेम प्ले भाई काफ़ी अच्छा निकाल सकते हो आप, इससे एक अच्छा गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हो, निकाल सकते हो, वन भी थ्री वन भी फोर कर सकते हो अगर आपसे अच्छा खेलना आता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप भाई किस तरीके से खेलते हो, अगर आपसे अच्छा खेलना आता है तो आप इसमें बहुत ही तगड़ी जो गेम प्ले है वो कर सकते हो, निकाल सकते हो। बस यहाँ पर अभी कुछ मिला भी नहीं था, तो अब हमें एक गन मिली है जो कि वो तो है UMP। अब देखते हैं, और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होती है देखो ये ग्लिच जो होता है, जिगल जो होता है, ये कितना फास्ट चल रहा है और जो मोमेंटम वगैरह है वो कितना तेज़ चल रहा है, और ये चीज़ मुझे देख करके काफ़ी बढ़िया लग रहा है फ़ोन में इस तरीके का जो गेम प्ले है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया मैंने उसे, उसने भी डैमेज दिया, तो उधर की साइड में दो बंदे थे, बट चलते हैं सीधा। तो गाइस आप गेम प्ले देख रहे हो, तो भाई गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता रहेगा, वो खेलने के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बाकी आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि इस वाले फ़ोन से जो गेम प्ले है वो कैसा है, क्योंकि एक तो अच्छे ग्राफिक्स मिल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भाई काफ़ी बढ़िया। अगर आपने नहीं देखा तो मुझे BGMI में देखने में लग गया था कि फ़ोन किस तरीके जो गेम प्ले है आप इस वाले फ़ोन से निकाल सकते हो। बाकी आपको अगली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।